I'm currently studying Media Sciences at Iqra University. Along with that, I am an intern at BaaDumTss. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक इंटर्न कितने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो होती है, जो बेसिक प्रॉब्लम है सबकी, वो होती है अनपेड। ज़्यादातर इंटर्न जो है ना वो अनपेड होते हैं। सही, अनपेड का भी मसला नहीं है, मसला सारे ये जब आता है जब बंदा अपनी कन्वेंस लगा के, अपना टाइम मैनेजमेंट करके, अपनी चीज़ें छोड़ के एक इंटर्नशिप पे आ रहा है, उसकी नीयत सिर्फ ये होती है एक सर्टिफिकेट और कुछ सीखना वहाँ से, और फिर लोग उसको साइड कर देते हैं, छोटे मोटे काम कराते हैं, उसको सिखाते नहीं हैं। अरे भाई, इंटर्न्स भी जिंदा है, वो भी इंसान है, उन लोगों की भी लाइफ है, वो सीखने आ रहे हैं, वो सीखने सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं आपके पास, आप काम ले रहे हो उनसे, एटलीस्ट उन्हें सिखाओ तो, एटलीस्ट उन्हें थोड़ा गाइड करो, थोड़ा आप सिखाओ। क्योंकि क्विक लर्नर्स होते हैं, यंग एज में होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं 2 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुका हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, लेकिन मोस्टली जो है पॉजिटिव। ज़्यादातर मैंने मल्टीपल काम करना सीखा, अपने स्किल्स के अलावा नई स्किल्स सीखी। मुझे यहाँ फ्री हैंड दिया गया, कोई मतलब कैमरे से या लैपटॉप से कोई भी चीज़ मेरे से मिसप्लेस हुई है कुछ ही, मुझे सपोर्ट किया गया और मुझे काइंडली बिहेवियर यहाँ पे पॉजिटिव मिला। लेकिन सब चीज़ लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती जो कि वो डिज़र्व करते हैं। इस चीज़ की वजह से मुझे बेनिफिट हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में सोशलाइज करना आया, बात करने का तरीका आया, बहुत कुछ मैंने सीखा। लेकिन ये कि मुझे एक चीज़ यहाँ पर बुरी लगी, वो ये कि जब बंदा लाइफ में फर्स्ट टाइम काम करता है तो एटलीस्ट कुछ पे मिलनी चाहिए, लाइक 500,000 भी इनफ है। क्यों? क्योंकि जो बंदे की फर्स्ट पे होती है वो भले 100 रुपये हो, वो उसके लिए बहुत कीमती होती है, क्योंकि उसके लिए उसने 1 महीने 1.5 महीने मेहनत की होती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर गलत थी। बाकी ये कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं दूसरों को यही गाइड करूँगा कि आपको अगर फ्री हैंड मिले तो आप बहाने ना करें, गलतियाँ ना करें, कोशिश करें गलतियाँ कम से कम करें, और अगर गलती हो भी जाए तो उसको सुधारें। यही इंटर्नशिप का मकसद है। सो सिंपल मेरी ये गुजारिश है कि इंटर्न्स और ऑर्गेनाइजेशन हेड्स दोनों आपस में रिलेशन बहुत अच्छा रखें, इससे दोनों को बेनिफिट होगा। लोग इंटर्न्स के साथ भी न्यूट्रल रहें, इंटर्न्स जो है वो सीखने के लिए और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और इंटर्न दोनों को बेनिफिट हो। और यार, इसमें सीधी सीधी बात यही होती है कि गिव एंड टेक वाला मामला होता है। आप इंटर्न को इज्जत दो, इंटर्न आपको इज्जत देगा, और कभी वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करेगा। एज ए इंसानियत और एज ए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, आपको बेहतरीन रिलेशन रखना है इंटर्न से, और एज ए इंटर्न आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट करना है। और एक इंटर्न सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करता, वो कुछ सीखना चाहता है। एटलीस्ट उसे गधा ना समझा जाए। ऑर्गेनाइजेशन जितना अपने इंटर्न को सिखाना चाहती है उतना सिखाए और बहुत सिखाए, ताकि उन दोनों का बेनिफिट हो। इन दी एंड दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो इंडस्ट्री का फायदा होगा। थैंक यू सो मच BaaDumTss।